समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसको ठीक कैसे किया जाता है? सबसे बढ़कर ये पता कैसे चलता है कि हजारों मील के समंदर में केबल कहां से टूटी है? इस वीडियो से लेकर पूरा यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यहां तक के पूरा ग्लोबल टेक सिस्टम ही आजकल इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरे इंटरनेट का 99% ट्रैफिक समंदर के बॉटम पे मौजूद छुपी हुई केबल्स के सहारे गुजरता है। एक ऐसा ट्रैफिक का हाईवे जिसे हम रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अंडरसी केबल्स का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो तमाम कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़े हुए हैं। ये केबल्स ज्यादा से ज्यादा 8000 मीटर की गहराई में बिछाई गई हैं, जहां प्रेशर 5300 केजी पर स्क्वायर इंच जितना होता है। ये ऐसा ही है जैसे इंसानी पांव की सबसे छोटी उंगली पर एक अफ्रीकन हाथी जितना वजन डाल दिया जाए। इतने ज्यादा प्रेशर में अंडरसी केबल्स का सबसे छोटा हिस्सा अजरबैजान से तुर्कमानिस्तान के बीच ब्लैक सी के नीचे से गुजर रहा है, जिसकी लंबाई करीब 300 किलोमीटर है, और सबसे बड़ा हिस्सा 6600 किलोमीटर लंबा है, जिसको मरिया केबल का नाम दिया गया है। ये अमेरिका में वर्जीनिया बीच से शुरू होकर अटलांटिक ओशन की अंधेरी गहराइयों से होकर स्पेन के बिलबाओ पर आकर खत्म होती है। बात की जाए दुनिया के तमाम समंदरों में बिछाई जाने वाली केबल्स की, तो कुल मिलाकर इन सब की लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर इन केबल्स को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मून्स के गिर्द लपेटा जाए तो फिर भी इतनी केबल बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से एक गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है इतनी लंबी केबल्स, वो भी समंदर में 8000 मीटर की गहराई में बिछाना कोई हल्का काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में ज्यादा से ज्यादा 25 लाख यूएस डॉलर्स का खर्चा आता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। पर आखिर इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, जब आज के दौर में यही काम सैटेलाइट्स की मदद लेकर पूरी दुनिया को वायरलेसली आपस में कनेक्ट रखा जा सकता है। असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया में 493 सबमरीन केबल्स मौजूद हैं। हर एक केबल 4000 टेराबिट्स का डाटा झेल सकती है, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। इसको यूं समझ लें कि सिर्फ एक केबल पर 8 करोड़ लोग 4K मूवी एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं, और ऐसी 493 केबल्स हैं। इसके बरक्स यही काम अगर सैटेलाइट करेगी तो एक सैटेलाइट पर वही 4K मूवी सिर्फ 24,000 लोग एक साथ देख पाएंगे। अब लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, जिसमें खर्चा भी ज्यादा होगा और मेंटेनेंस भी। सबमरीन केबल के मुकाबले में सैटेलाइट की मेंटेनेंस ज्यादा कॉस्टली भी है और मुश्किल भी, और अगर किसी वजह से सैटेलाइट में मेजर फॉल्ट आ जाए तो उसको रिप्लेस करने में 40 करोड़ यूएस डॉलर्स का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। यही वजह है कि लाखों किलोमीटर्स की केबल समंदर के नीचे बिछाना सैटेलाइट या वायरलेस कनेक्टिविटी से ज्यादा आसान है। इस अंडरसी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डाटा ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हाईवे भी काफी चौड़ा होगा, यानी ये केबल्स एक आम घरेलू फाइबर ऑप्टिक केबल से ज्यादा मोटी होगी। पर ऐसा नहीं है, देखने में ये येलो और ब्लैक केबल एक होज पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी पतली तार के बीच से इतना ज्यादा डाटा कैसे भेजा जाता है। इस बाल जितनी वायर को फाइबर ऑप्टिक का कोर कहा जाता है, जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक से बना होता है। इसके बीच से लाइट गुजरती है जो डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रेवल करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में मौजूद डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में एक ट्रांसमीटर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसमीटर ये काम लेजर लाइट या फिर एलईडी के जरिए करता है। ये लाइट सिग्नल पल्स की सूरत में ट्रांसमिट या भेजा जाता है, जिसके सिर्फ दो ही पार्ट्स होते हैं, वंस और जीरोस। लाइट पल्स वन को जाहिर करता है, और जब कोई पल्स नहीं होता तो वो जीरो को जाहिर करता है। इन पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना कोर का काम होता है, जिसके बीच लाइट ट्रेवल करती है। इस कोर के बाहर एक लेयर होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, और ये लेयर लाइट को कोर से बाहर निकलने से रोकती है। अगर लाइट कोर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगी तो क्लैडिंग उसको वापस कोर के अंदर ही बाउंस बैक करवाता है। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है।
अब ज्यादा फासले पर यह लाइट सिग्नल वीक हो जाता है, जिसके लिए हर 100 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगाया जाता है जो लाइट सिग्नल को बूस्ट कर देता है। इसी पार्ट को पूरा करने के लिए कोर और क्लैडिंग के ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिसमें 10,000 वोल्ट्स का डीसी करंट भेजा जाता है। क्योंकि ओशन के बीच कोई पावर सोर्स तो होता नहीं, इसीलिए इन एम्पलीफायर्स को पावर देने के लिए कॉपर लेयर से गुजरने वाला करंट काम में लाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक से ज्यादा सिग्नल्स भी एक साथ ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती हैं। इस टेक्निक को वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी WDM कहा जाता है। मुख्तलिफ कलर्स की लाइट को एक साथ फाइबर ऑप्टिक से गुजारा जाता है और हर एक कलर की लाइट में अलग अलग डेटा पैकेट्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 1079 मिलियन किलोमीटर्स पर आर होती है, यानी ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ लाइट से पलक झपकते ही पहुंच जाता है। हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने पर यह डेटा फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके ग्राफिक्स या फिर किसी भी फॉर्म में ले आती है। कोर, क्लैडिंग और कॉपर लेयर के अलावा सबमरीन केबल के मोटे होने की वजह इसके ऊपर मौजूद 7 और लेयर्स भी हैं, जिनका काम केबल को पानी के एक्सट्रीम प्रेशर से बचाना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये केबल अर्थक्वेक्स, शार्क अटैक्स और समंदर के अंदर ही वोल्केनिक एरप्शन से डैमेज हो जाती हैं। लेकिन सबमरीन केबल के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग होती है। कुछ वेसल्स समंदर के बॉटम पे रहने वाली मछलियों का शिकार इस ट्रॉल डोर से करते हैं, जिसके साथ एक रस्सी लगी होती है जो सीधा वेसल से कनेक्टेड होती है। इस ट्रॉल डोर को बॉटम तक भेजकर इसे ओशन फ्लोर पे घसीटा जाता है और फिर मछलियां इसमें फंसती चली जाती हैं। जब ये ट्रॉल डोर गलती से सबमरीन केबल की जगह पर फेंक दिया जाए तो घसीटने की वजह से केबल को बहुत नुकसान होता है। अब यहाँ आप सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि इतने वसी और बयाबान समंदर के बॉटम में अगर सबमरीन केबल डैमेज हो जाएं तो फिर इनको ठीक कैसे किया जाता है। ठीक करना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हजारों किलोमीटर की वायर कहाँ से डैमेज हुई है, वो लोकेशन पिन पॉइंट कैसे की जाती है। आपको यहाँ बताते चलें कि आजकल की मॉडर्न सबमरीन केबल्स 1 इंच मोटी होती हैं और 1 किलोमीटर वायर का वजन करीब 1400 kg होता है, यानी एक सेडान गाड़ी जितना। समंदर में इंस्टॉलेशन के लिए ऐसी हजारों किलोमीटर वायर वन पीस में समंदर के बॉटम पे स्पेशल शिप्स की मदद से इंस्टॉल की जाती हैं। पूरी रिसर्च के बाद जब एक खास एरिया चुना जाता है तो वायर के बड़े बड़े रोल्स शिप में लाद कर उस लोकेशन पर लाए जाते हैं और एक स्पेशल रोबोटिक मशीन जो समंदर के फ्लोर पे चलने की सलाहियत रखती है उसको इस्तेमाल करके 1 मीटर तक फ्लोर खोदा जाता है और साथ साथ उसमें केबल बिछाई जाती है। ये काफी आहिस्ता चलने वाला काम होता है, जिसे बड़ी एहतियात से करना बहुत जरूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक US और यूरोप के बीच बिछाई जाने वाली 6600 किलोमीटर की वायर को इंस्टॉल करने में करीब 2 साल का वक्त लगा था। जब एक वेसल में रखी वायर खत्म हो जाए तो केबल से भरी दूसरी वेसल मंगाई जाती है और पहली वायर का कोना नई वायर के साथ कनेक्ट करके बिछाने का काम आगे बढ़ाया जाता है। इस पूरे काम में सबसे बड़ी रुकावट मौसम पैदा करता है। अटलांटिक ओशन में साल के 365 दिन तेज हवाओं का सिलसिला मौजूद होता है और ये हवाएं कब समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लें इनको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में अक्सर औकात Category 1 का हरिकेन मौजूद होता है। इस वक्त भी जब मैं वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा हूँ तो अटलांटिक ओशन में Category 1 का हरिकेन मौजूद है, जो फोरकास्ट के हिसाब से 23 अगस्त को आयरलैंड के साहिल पे पहुंचेगा। हरिकेन्स या तेज तूफान की वजह से कई कई दिन तक इंस्टॉलेशन का काम वहीं पॉज कर दिया जाता है जब तक मौसम क्लियर ना हो। अब जब इंस्टॉलेशन का काम ही इतना मुश्किल है तो सोचें रिपेयर का काम कितना मुश्किल होगा। सबमरीन केबल के दोनों एंड पॉइंट्स पर डेटा सेंटर्स होते हैं जो केबल की एक्टिविटी को 24/7 मॉनिटर करते हैं। जैसे ही दोनों का कनेक्शन टूट जाता है तो इसका एक ही मतलब है कि समंदर के बीच केबल टूट गई है। हजारों किलोमीटर की वायर एग्जैक्टली कहां से डैमेज हुई है ये पता लगाने के लिए एक खास डिवाइस यूज होती है, जिसे ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहा जाता है। ये डिवाइस दोनों एंड से एक लाइट पल्स भेजती है और क्योंकि केबल टूटी हुई है तो वो लाइट पल्स बाउंस करके वापस आ जाती है।
वापस आने वाला पल्स कितनी देर में वापस आया और सिग्नल की मजबूती कितनी बची है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स के बाद केबल में डैमेज है। यही प्रोसेस दोनों एंड से किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि दोनों की लोकेशन एक ही है के नहीं। अब दोनों एंड से डीसी सप्लाई यानी केबल में छोड़ा गया करंट बंद किया जाता है और उस लोकेशन पर आरओवीज को समंदर के बॉटम पर भेजा जाता है। आरओवीज की मदद से पहले फिजिकली केबल का मुआयना किया जाता है और फिर केबल को बाहर निकाल कर ऊपर मौजूद वेसल तक लाया जाता है। केबल का वो हिस्सा जो डैमेज हो गया हो वो काट कर उसमें दूसरा पीस लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक का कोर क्योंकि ग्लास का बना होता है इसीलिए ये काम काफी एहतियात से करना होता है ताकि एक ग्लास दूसरे के साथ वैसे ही जुड़ जाए जैसे वन पीस में था। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। अगर केबल कम पड़ रही हो या समंदर का बॉटम काफी ज्यादा नीचे हो तो पहले एक हिस्से को ऊपर उठाया जाता है, उसमें दूसरी एक्स्ट्रा वायर जोड़कर दोबारा नीचे बिछा दिया जाता है। फिर यही प्रोसेस टूटी हुई वायर के दूसरे एंड पे भी किया जाता है। सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल के फायदे, ये काम कैसे करती है, इंस्टॉलेशन और रिपेयर के बारे में शायद आपके कई सवालों का जवाब मिल चुका होगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।